अगर कोई राजनीतिक दल किसी आपराधिक छवि के व्यक्ति को चुनाव का टिकट देता है तो इसकी जानकारी राजनीतिक पार्टी को सोशल मीडिया और अन्य मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचानी होगी। गुरुवार को एक फैसले को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर राजनीतिक पार्टियां किसी आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को टिकट देती है तो पहले तो राजनीतिक पार्टी को ये बताना होगा कि आखिरकार इस आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को टिकट क्यों दिया गया है। उसके बाद उसका सारा रिकॉर्ड उस पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर डालना होगा। इसके साथ साथ अन्य जो भी मीडिया के साधन हैं उनके जरिए उसकी जानकारी देनी होगी। टिकट देने के 72 घंटे के अंदर ये सारे जानकारी अपलोड करनी होगी। साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी इसके बारे में बताना होगा। अगर पार्टियां ऐसा नहीं करती हैं तो चुनाव आयोग अपने मुताबिक इस पर एक्शन ले सकता है। इससे एक बात साफ है कि आपराधिक छवि वाले जो लोग हैं उनको किसी राजनीतिक पार्टियों के टिकट को लेकर अब मुश्किलें सामने आने वाली है। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।